राम राम सारा नया मैं हूँ थारा गला रविंद्र आर्य। और आज भैया दूज है वैसे तो, लेकिन आज मैं थरता हमारे छोटे से खेत का दोबारा भ्रमण कराता हूँ। पहले तो एक बार दिखाया था, ज्वार वगैरह बो रखी थी यार, कहीं सब्जियाँ वगैरह बोई थी, फिर आज फिर लग रहे हैं इसमें, पीछे पिताजी लग रहे हैं, थोड़ी बहुत मैंने भी करी है खुदाई सी। और दिखाता हूँ के सब्जी लाग रही है और के लाने की और तैयारी चल रही है, कई सब्जियां तो रही हैं छोटी छोटी, और आज भी तैयारी करी है कुछ थोड़ा बहुत बोने की, दिखाऊं। ये देखो पिताजी लाग रहे हैं बराबर करने, इसमें के लगाऊंगा पिताजी, इसमें लहसुन लगाऊंगा इसमें, इसमें यहाँ भी पिताजी प्याज लहसुन। अच्छा फिलहाल कौन कौन सी सब्जी हो रही यार अपने? अपना ये बैंगन हो रहे, बैंगन हो रहे हैं, बैंगन दिखाऊं था क्या था? कहीं लाग भी रहे हैं बैंगन, देखो मोस्टली सब्जियां मतलब हम अपनी लगाई हुई खाओ, देखो बैंगन ये लाग रहे हैं, छोटे छोटे भी हैं और बड़े भी, क्योंकि जो आप खुद बोए देखो उसका बेरा आप फालतू कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज नहीं कर दे, जो सिर्फ गोबर है ना, यहाँ देखो थोड़ा सा गोबर पड़ा है इस साइड, यहाँ पड़ा था और भी ज़्यादा, यहाँ तो ठाकुर लगन गिरा है। ये देखो पेट है खुद का लग गया घर का, अरे कई चीजें जो लगाई खा, कई चीजें तो खा भी लिया हटता है। देवेंद्र भी आ गया है दिस में लेकर, यो धनिया है, धनिया लग रहा है देखो, सूखा धनिया हो गया, और लगा नहीं पालक रही, और सरसों रही, मेथी रही, देखो मतलब जो घर जो रेगुलर यूज वाली सब्जी है ना वो अपनी खुद की हो रही है, फालतू कोई मतलब जाने की जरूरत नहीं। टमाटर के पेड़ ये मूली भी लगी है, देखो मूली सलगम, और ये क्या होता जी, ये लहसुन लग लिए हैं पहला भी, और लगाने की तैयारियां चल रही है, दोनों सीब बराबर करे हैं इसमें देखो इसमें प्याज लगाऊंगे, क्योंकि प्याज तो देखो रेगुलर की चीज है, अपने रोज के रोज प्याज यूज हुआ है। अब थरता मैं दिखाऊं अपने तोरी भी लग रही है, और तोरी तो गई पड़ोसी भी लेके जाओ तो काफी, देखो पीछे तो हमने दिख दी भी हो, ये देखो छोटी छोटी तोरी लग रही है और भी लग रही है, और लेकिन तोरी काफी तोरी, और मतलब कई दिन हो गया हमने तोरी की सब्जी खान दे, बढ़िया लग गया है तोरी और घी की, तो मैंने बहुत बढ़िया लग गया सब्जी, कहीं है ना तो ऐ पसंद को नहीं होती घी और तोरी की, पर हम तो चाह के साथ खाओ पूरे। यहाँ भिंडी भी तो थी पिताजी, भिंडी तो होली खत्म, कई दिन भिंडी खाई है यहाँ अपने लाग रही थी काफी, अब खत्म होगी है। यहाँ आयो क्या कहता जी, ये भी बैंगन है, बैंगन हालांकि उतने ज्यादा लगे जितने सोची थी, क्योंकि पेड़ वगैरह देखो काफी पेड़ है बैंगन वगैरह का अपने, लेकिन इस हिसाब के बैंगन नहीं लगे। हाँ बेटा क्या डाली अब जी? अच्छा उसका क्या फायदा होता है? हाँ दिखाओ चलो बेटा, वास कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिखाते हैं क्या। अरे फिर ये तो दिखाई दिए बैंगन तो, ये लगी उस पे। हाँ ये दिखा तो दिया, लगी उस पे। हाँ ये बैंगन ही तो लगा हुआ है बुद्धू, इसको सीधा ऐसे ही तोड़ दिखाते हैं, वासु ने बैंगन दिखाया कर, सच बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन देखे हैं और लगन देखो, मैं कहूँ था तमाम देसी खाद जो है गोबर उसका प्रयोग करा है, गोबर इकट्ठा कर ला मतलब कई दिन का यहाँ डाल दे रहा है, जब हो जाए थोड़ा थोड़ा से मतलब जब खोद दिया है इसमें गोबर डालेंगे पहला ना पिताजी, डाल दिया गोबर डाल दिया, एक बार फिर उसको खोद के मिक्स कर दिया, मतलब मिट्टी भी पतली कर दी, क्योंकि बारीक मिट्टी में आकर लहसुन से ही पेड़ भी है, जो जामुन का देखो जो जामुन का पेड़ है काफी बड़ा हो गया, वंजीर का पेड़ है वहाँ दिखता होता हमने, हरियो नीम है, नीम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीम अपने तो मतलब यहाँ अपने तो पहले वाला घर है जो देखो आप उसमें भी था नीम का पेड़ा, थोड़े आस पास के कई जगह था लोग आया करते नीम के पत्ते लेने, कई जरूर पपीता भी था पपीते के भी ले आया करते, आराम भी था, तो नीम तो देखो शहर में ऐसा हो रहा है जो करो नहीं क्या अगर सोने के बाद बिकने वाला काम है पन्नी में कहकर सोने के बाद बेच लो, नीम का तो काफ़ी हो रही है किल्लत, तो हमने नीम लगा दिया वहाँ तक, टूट गया था जो करूँ अगर कमरे बनाए थे और, तो सोचा फिर आटा बना ला, ये नीम का पेड़ सही हो गया है, और तड़की तड़क तीन चार पत्ते नीम के खाए जाओ
तो बढ़िया रहा है। ये देखो पेट हो रहा सही कति अंडी खाने जो के जितना बड़ा पेठा है हर देसी है नूनी है कि नो कुछ यूज कर रखा हमने बिल्कुल भी नहीं छोट खाद का दाना भी नहीं मतलब धनिया पुदीना वगैरह भी हो रहा बढ़िया देखो कितना अच्छा दिखाऊंगा अर्थ बिल्कुल प्योर यहाँ इसे तोड़ गए तोड़ दे इसी दापना रसोई में ले जाओ और खाओ नू बढ़िया फ्रेश सब्जी और प्योर कोई मिक्स नहीं ताकि हटा जी तो देखा था हमने हमने कितनी सब्जी लगा रखी है यार मोस्टली मतलब हम घर की सब्जी खाया करा क्या दे होया करा जो कर जो सी सब्जी ना बो सकते हाँ वो बाहर तय लेनी पड़ा करा है पर कोशिश ही रहा करा कि मोस्टली सब्जी जो खावा है वो घर की खावा क्योंकि अच्छी होया करा सेहत के लिए बाहर वाली मैं तो पता नहीं क्या टिक्के लगावा पता नहीं क्या हुआ है सर मेरा कभी थोड़ा सा अपना सब्जी मंडी ला लो सब्जी मंडी यार छोटा सा खेत अपना हो किसा ला गया था हमने कमेंट में जरूर बता दियो समझा रही है अगर हाँ इसलिए वह दिखी नहीं आज के ब्लॉग में फिर भी बता दो कैसा लगा ब्लॉग यार आज खुशी था मैं दिख दी होगी ना खुश हूँ मैं खुशी की वजह भी है कई दिन हुए एक छोटा सा सपना था सपना ला लो छोटा ला लो बड़ा ला लो बहुत बड़ा आके कार लेने की सोच रहा था कई दिन हुए जरूरत भी थी हालांकि अपना गाड़ी तो है एक गाड़ी पहले बार देखी भी हमने कई बार वैगनार गाड़ी है पर नू था पिताजी भी जो है प्रोग्राम पर जावा है सारी अनबार रहे हैं तो एक गाड़ी था पूरा नहीं पाटा कर था अपना कई बार नुजा कर था हमने भी जाना पिताजी ने भी जाना फिर दिक्कत आया कर दी आने जाने में तो फिर सोच रहे थे कई दिन गाड़ी ले लें तो आज वो दिन आया होया थोड़ा बहुत क्या करा ब्यो क्या करा ब्यो तो होया ब्यो तो था भी चलो फिर नुआ खुद के पीछे था थोड़ा कनका नु था खुद थोड़े पीछे करा खुद गाड़ी ले उसका एक अलग सुकून हुआ अलग मजा हुआ है तो आज वो दिन आया फिर मैंने गाड़ी ली मैं थर गाड़ी भी दिखा दो कौन सी गाड़ी लाया मान की बड़ी गाड़ी नहीं है पर शुरुआत के हिसाब से देखो जितना मेरा बजट होया जितना उन्होंने ला गया हाँ इतनी गाड़ी ठीक है वह गाड़ी लई और गाड़ी भी छोटी भी नहीं गनी बड़ी भी नहीं छोटी है हालांकि कहीं जाना छोटी छोटी ला के दिखाऊँ या स्विफ्ट गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर तो यह गाड़ी लई है मैं थरदा पूरी चीज दिखाऊँगी मेरे पिताजी और मैं मेरा भाई गए थे जब लेके आया पिताजी के कहोगे देखो आजकल जो है बच्चों को भी आवश्यकता है गाड़ी की तो हमने जो है गाड़ी की घर में बड़ी परेशानी सी होती थी तो आज ये अब तो बच्चों का काम है ये जैसे भी लेंगे जैसे भी रहेंगे इनकी ज़रूरतें हैं तो इसमें हमने भी कैसे सहयोग किया है लेकिन ज़्यादातर जो है इनकी अपनी कमाई है हमने थोड़ा बहुत सहयोग हमने भी किया है तो इसमें जो है इनको आना जाना पड़ता था तो आजकल बाइक पे मोटरसाइकिल पे जाना थोड़ा दिक्कत होती है तो वो गाड़ी जो है कई बार हम कार्यक्रम में प्रोग्राम में जाते थे तो हमारे को लेके जानी पड़ती थी तो फिर इनको थोड़ी परेशानी होती थी तो आज बहुत खुशी हुई है हमारे को कि बच्चों ने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से आज ये गाड़ी ली है और घर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है हम सब प्रसन्न हैं। तो देखो सही अब तो पूरा है माँ पिताजी का क्योंकि इन्होंने सब कुछ करा है जब इस लायक हुए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ कर सका है गाड़ी में एक बार दिखा दू कर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लई है हालांकि थोड़ी चलती लई है मैंने पर ये है गाड़ी ठीक है अच्छी पड़ी है हम देख भी सको हो और बजट के हिसाब से देखो चीज़ करनी चाहिए ले तो बड़ी भी लेंदे नई भी ले लेंदे फिर वही बात है उस चीज़ ने फिर क्या करा किस्तें वगैरह भरो ये सिस्टम करो वो चीज़ टेंशन में अपना जितना गुदड़ी हो नहीं क्या करा पुरानी बात आकर जितनी गुदड़ी हो उतना पैर पसारो तो उस हिसाब से जितना बजट सा होया जितना होया उस हिसाब से यह गाड़ी ली है इसी लाके तो हमने गाड़ी हम एक बार कमेंट करके बता दियो पर ये आज के दिन कुसुम नहीं हाट है कुसुम होती तो थोड़ा और एक अलग खुशी होती कुसुम बाहर थी मेरी माँ चाय ले आई है चाय पीते पीते तरता बताओ